किसी कारपोर्टर के पास जाओ तो बोले ये म्युनिसिपैलिटी से ही सब होगा, जब तक एक बच्चा मरेगा नहीं इसमें, बड़ा मरेगा नहीं, जब हंसता होगा तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं अभी। यहाँ कोई गाड़ी अगर फंस गई तो आदमी गिर जा रहा है, बीवी बच्चे गिर जा रहे उसमें। तो इसी रास्ते जाते जाते हैं। हाँ, इसमें हम लोग गिर जाते हैं। न्यूज वाले न्यूज बनाए, उसके बाद वो खोद के चले गए। अच्छा। उसके बाद एक हफ्ता हो गया, अभी दिखाई नहीं दिया। बनाने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, न्यूज बनाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। और यहीं पर अपना हमारे माननीय रईस साहब, शेख साहब भी रहते हैं। अच्छा। उनको दिक्कत नहीं है क्या वो शहर का है? इतनी गंदगी है, सामने मस्जिद है, स्कूल है, मदरसा है, कब्रस्तान है। कब्रस्तान जाना होता है अगर अपना, उनको तो नापाक हो जाते हैं अपना। भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के 3 डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है औचितपाड़ा खंडूपाड़ा रोड के बीच में, तैयब मस्जिद के ठीक सामने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तैयब मस्जिद है, और यहाँ पे जो एक आप समस्या देख रहे हैं, ये जो खड्डा देख रहे हैं, तकरीबन मैं कहूंगा यहाँ से 4 से 6 महीने से लोग इसी तरह इस खड्डे से परेशान है। मैं आपको अब दिखा दूं यहाँ पे, ये खड्डे का खास रीजन, यहाँ पर जो ईगल कंपनी का फेलियर ड्रेनेज का जो लाइन है, ये इस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा जो है खड्डे हो चुके हैं और काफी ज्यादा पानी है। मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा जरा करीब आने के लिए। ये देखिए किस तरह से लोग इसी पानी में से आ रहे हैं, और ये ड्रेनेज का पानी जो है जब लीक होता है तो देखिए पूरा रास्ता बना लिया है, पूरा रास्ता बन गया है। जो पाइपलाइन नीचे से गई हुई थी ड्रेनेज की, वो सारी जो चौकअप होने की वजह से ये पूरा पानी जो है बाहर से बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काई जम चुकी है। काई उस वक्त जमती है जब यहाँ पर काफी दिनों से उस जगह पर पानी रहता है, और आप देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर। मेरे कैमरामैन को कहूंगा जरा उधर से जाएंगे, मैं एक चीज और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पर ये सड़क की एक लहर, दो लहर, तीन लहर, तीन तीन लहर जो है यहाँ पर दिखने लगी है कि यहाँ पर किस तरह से पूरी सड़क जो है पानी में बह गई है। अरे दिक्कत है, कब से बारिश से ही दिक्कत है। अच्छा। इसकी कोई जवाबदारी कोई नहीं ले रहा है। किसी को बोलने जाओ तो बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी से कुछ हो नहीं रहा है ना कुछ कर रहे हैं। किसी कारपोर्टर के पास जाओ तो बोले ये म्युनिसिपैलिटी से ही सब होगा। अच्छा। लेकिन इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। जब तक का कोई हादसा इधर होता नहीं है, जब तक ये बनेगा नहीं, जब तक एक बच्चा मरेगा नहीं इसमें, बड़ा मरेगा नहीं, जहाँ हादसा होगा तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं अभी। अच्छा। इसकी शिकायत जब करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? लोग यही बोलते हैं बन जाएगा, थोड़ा रुक के म्युनिसिपैलिटी जब झंडा दिखाएगी तब यहाँ डंडा चलेगा। पानी आने का कारण क्या दिख रहा है आपको? कुछ समझ में आ रहा इतना पानी क्यों जमा हुआ है? पानी आने का कारण ये है भाई, ये ड्रेनेज पाइप है, इतना खराब पाइप है, यहाँ औरतें बच्चे चलना दुश्वार हो जा रहा है। अच्छा। मस्जिद से कोई नमाज पढ़ने निकलता है, सोचता मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। अच्छा, पतरे से चढ़ के जाऊँ। हाँ, ये चीज तो हम देख रहे हैं कि सूखा रास्ता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सूखा कैसे रहेगा जब इतनी अच्छा पानी निकल रहा है बाहर, तो सूखा कैसे रहेगा वो? चलने वाले तकलीफ, यहाँ कोई गाड़ी अगर फंस गई तो आदमी गिर जा रहा है, बीवी बच्चे गिर जा रहे हैं उसमें। हमको खराब लगेगा कि उनको खराब लगेगा? क्या कहेंगे आप? गाड़ियों का नुकसान होता है इधर, एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं? होता है ना, बहुत हो रहा है। गुटका थूक लो भाई पहले। ये देखिए रिक्शे वाले हैं, इनसे पूछेंगे हम कि ये कहाँ रहते हैं और इनको कब से इस चीज की दिक्कत है। भाई कहाँ रहते हो आप? तो ये इसी रास्ते से आते जाते हो आप? हाँ, डेली नहीं, मतलब कई बार आते हैं। सभी कबार तो ये खट्टे बिट्टे से दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है। रिक्शे में कुछ नुकसान होता है आपका? बहुत नुकसान होता है, बहुत होता है। देखिए हमको आते जाते लोग बोल रहे हैं तकलीफ है, मगर ये देखिए, ये वो एक ड्रेनेज का लाइन है, देखिए वो कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक आया है,
और वहाँ पे भी पूरा काई जमा है। बच्चे लोग, तुम लोग कहाँ रहते हो? पढ़ते कहाँ पे हो? राइट वे पे। अच्छा, तो इसी रास्ते से आते जाते हैं? हम लोग गिर जाते हैं तो एक बार गिर गया था। पानी में डेली आते जाते हो? उधर जाना पड़ता कि नहीं? अच्छा, तो सरकार से कुछ बोलना चाहोगे कि ये रास्ता बना के दे? बना के दे। चिल्ला के बोलो जरा कैमरे पे, सरकार हमको सड़क बना के दो। सरकार हमको सड़क बना के दो। हम यहाँ से डेली आते जाते, हम यहाँ से डेली आते जाते, गंदाते पानी, गंदाते पानी। बहुत अच्छे बेटा, देखा आपने यहाँ से कि छोटे छोटे बच्चे भी है यहाँ पर इस चीज को लेकर। ये देखिए, ये पूरा आधे से ज्यादा टायर जो है पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लोग इसी जगह पे डेली आते जाते हैं और इसी गंदे पानी के सारे और इसी गंदे पानी में से होते हुए जाते हैं। अभी थोड़ा बारिश कम है तो ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, और मगर यहाँ पर काफी ज्यादा, जब ज्यादा बारिश होती है तो ये घुटने तक पानी यहाँ पे भरा हुआ रहता है। और इस चीज की शिकायत काफी जगह दे चुके हैं, कई मीडिया वाले भी इसकी कवरेज कर चुके हैं, मगर प्रशासन इस पे किसी तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन शायद कुछ जागे और यहाँ पर इस जगह पर काम करा के ले। क्या कहेंगे आप, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? अरे इतना ज्यादा तकलीफ है यहाँ पे भाई, मत पूछो सोहेल भाई। ये लोग यहाँ बाइक लेके गिर जा रहे हैं और गाड़ी ले फट जा रहे एकदम, इतनी ज्यादा तकलीफ है पूछो मत। न्यूज वाले न्यूज बनाए, उसके बाद वो खोद के चले गए। अच्छा। उसके बाद एक हफ्ता हो गया, अभी दिखाई नहीं दी। बनाने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, न्यूज बनाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, अब क्या बोला जाए? आप क्या बोल रहे थे? बोलो। आप गुटका खाए हो? मैं गुटकों वाले को इंटरव्यू नहीं करता, पहले फूक लो। बोलिए। वो चार महीने से खराब हो, लिक्विड लाइन हो रही है, मत कोई सुनने से राजी नहीं। सब आ रहे जा रहे, कितने नगर सेवक भी आ रहे जा रहे, कारपोरेशन के आदमी भी आ रहे जा रहे, डिग नहीं रहे, कारपोरेशन के आदमी भी आ रहे जा रहे, डिग रहे। कल मैं खुद देखा कारपोरेशन की दो गाड़ी गई है। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पर ज्यादा करके लोग जो फातिमा नगर में रहते हैं और इस जगह से अगर खंडूपाड़ा रोड पे मार्केट है और कई चीजें यहाँ से उनको यहाँ से जाने के लिए काफी आसानी होती है। और इसी थोड़ा और आगे जाएंगे हम, यहाँ पे कासिमपुरा कब्रस्तान भी है। कब्रस्तान में जो मट्टी है वो यहाँ से ले जाने के बजाय काफी घूम के जाना पड़ रहा है, इसका भी एक काफी ज्यादा दिक्कत है। और उसके बाद नमाजी जो यहाँ पर रहते हैं उनको पैदल चलने में काफी ज्यादा, क्योंकि ये पानी जो है पूरी तरह से ड्रेनेज का घू का पानी है, इसे कहेंगे हम वेस्टेज का पानी है, उसके वजह से और ज्यादा दिक्कत हो रही है। देखिए किस तरह से लोग पूरी कोई सिस्टम नहीं है, देखिए कोई सिस्टम नहीं है, कोई जैसा समझ में आ रहा है वैसा जा रहा है, सब ऐसी हो रहा है। रास्ता ना हो जब तक ये रोड बने नहीं, बड़ा रास्ता बने तो किसी का डेड ना हो। क्या कहेंगे भाई, कब से दिक्कत है ये? न्यूज बना के भी मतलब नहीं है, जब दो तीन चार बार डाल चुके हो तो फिर भी नहीं हो रहा है, सुनवाई क्या मतलब है? एक अड्डा देख रहे हो कैसा, इधर दिखा दो वीडियो। देखिए कैसा है ना, आप ठीक बोले न्यूज बना के कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, मगर देखिए पब्लिक का काम है हमको जागरूक करना और हम ये चीज कर रहे हैं। आज नहीं तो कल प्रशासन हमारी वीडियो के माध्यम से जागेगी और काम करेगी। छोटे छोटे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, हमको तो मान लो रिक्शा गाड़ी है निकल जा रहे, पैदल चलने वाले तो पूछो क्या हाल है। आपको दिक्कत है ना, अभी रोड पे खड्डा इतना तो गाड़ी चलती है तो पलटने का भी डर रहता है ना, सीट बैठा के आते जाते रहते, और फिर खड्डे इतने ज्यादा है, एरिया भी इतना अच्छा है। नहीं भाई क्या कहेंगे आप, ये कब से है ये दिक्कत, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ। ये तो जब से बारिश लगी है जब से ये दिक्कत, मैंने अपना कॉर्पोरेशन को भी बोला और लोगों को भी बोला, मैं अभी दो तीन दिन पहले अपना एक मीडिया वाले भाई आए थे उनको डाले तो अपना वहाँ पे थोड़ा गटर खोद कर चले गए। अच्छा। दो दिन काम चालू किए और चले गए, अभी गटर खोद कर चले गए, उसमें अभी दो बच्चे गिर गए। अच्छा, हाँ उसके अंदर अपना उनको निकाले उगाले तो ऐसा, इतनी लापरवाही, इतनी लापरवाही यहाँ पे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये ड्रेनेज का जो लाइन है सब पानी उसमें से ही आ रहा है और ये यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे ख्याल से इसके बीच में ही कुछ चौकअप है। आज चौकअप है और ये कम से कम 3 महीने से बह रहा है, मैंने बोला भी कोई सुनवाई नहीं है और यहीं पर अपना हमारे माननीय रईस साहब भी रहते हैं। अच्छा। उनको दिक्कत नहीं है क्या वो शहर का है? इतनी गंदगी है, सामने मस्जिद है, स्कूल है, मदरसा है, कब्रस्तान है, कब्रस्तान जाना होता है अगर अपना, उनको तो नापाक हो जाते हैं अपना, इतना गंदगी पानी सब माहौल है, बच्चे गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है शहर में। ऐसा लगता है शहर को छोड़ दिए उसे, कोई इसका माँ बाप नहीं है शहर का। ये वार्ड तो मुझे ऐसा लगता है लावारिस है,
बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम लावारिस छोड़ दिए हैं अपना, हमारे राइस शेख साहब ध्यान ही नहीं देते, यहीं से जाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। ये गटर है, ये गटर तो अपना कोई बोल ही नहीं सकता ये गटर है, अगर कोई बोल दे ये गटर है तो मैं उसको इनाम दूंगा। ये पानी पूरा टोटल रोड पे से बहता है, गटर में तो ना कोई साफ करने वाला आता है ना कोई ध्यान, कोई बिल्कुल एकदम लावारिस छोड़ दिए। देखा आपने किस तरह से, बच्चे लोग हटिया जरा। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करेंगे प्रशासन यहाँ पे जल्द से जल्द ध्यान दे, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान है यहाँ पर।